हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस के ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी 8 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 24 मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों, इसका कैमरा मॉडल, प्रोसेसर एंड डिस्प्ले क्वालिटी सब कुछ कंफर्म हो चुका है, जो कि इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसके अंदर आपको क्या कुछ नया मिलेगा और कब तक और किस प्राइस पॉइंट में ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी टेक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले पैनल होगा, जिसमें आपको 120 या फिर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का लेटेस्ट 5G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एकदम पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि डुअल 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एंड अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ रियलमी 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड अब बात करते हैं इसके कैमरा एंड डिजाइन के बारे में। तो इसके बैक साइड में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिसका मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें सैमसंग HM2 का सेंसर यूज किया जाएगा। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस होगा। वहीं पर अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी शूटर भी मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 4500mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ आपको 50W की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके अंदर 50W की फास्ट चार्जर देखने को मिलेगी, जो कि नई लीक्स के अनुसार कंफर्म हो चुकी है। और इसी के साथ आपको मिलेगा USB Type-C पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, फेस अनलॉक, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड बाइल वन एड वन का सपोर्ट। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया में 6G+128GB, 8G+128GB रैम वेरिएंट के साथ में लॉन्च होगा। और अब फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर इसके बेस वेरिएंट की प्राइस की शुरुआत होगी 20,000 से 22,000 रुपये के बीच में। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया में 24 मार्च को ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।